जिस तरह से अभी जो डिजीज हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हो गई, कुछ डिजीज जो हैं वो जनरिक हो रही हैं, हर बार बीमार होकर चले जा रहे हैं, तो बीमारियों का जो मूल कारण है एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जब वो कम हो जाती है तो हम बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और कहते हैं कि अगर डॉक्टर हमें न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में नहीं बता रहा है और गाइड नहीं कर रहा है, सही से सिर्फ दवाइयाँ बता रहा है, फार्मोलॉजी अगर पढ़ने से ही सब कुछ हो रहा है, तो हम बिल्कुल गलत हैं, हमें मारने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये रेडी स्टेंट हैं, यूएसए के एमडी हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। उन्होंने स्पष्ट से लिखा हुआ है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, उन्होंने लिखा हुआ, और इनकी बहुत बड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये लिखा है। आज मैं आपको उसी पर बताना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर में ये मानकर चलिए कि ये हमारा शरीर है, और शरीर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 70-75% पानी से बना हुआ होता है अप्रॉक्सीमेटली, ये मानकर चलिएगा कि ये शरीर है और ये आपके शरीर में ये पानी है, ठीक है। अब ये जो पानी है शरीर के अंदर, इस पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये एक टॉक्सिन्स है, केमिकल है, जैसे आप देखते हैं कहीं चोट लगती है तो उसे क्लीन करते हैं, बीटाडीन लोशन है ये, और ये जब हमारे शरीर में जाता है इस तरह से, जैसे हमने सब्जी रोटी फास्ट फूड कुछ भी खाया, केमिकल जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं। अब इस केमिकल को किसी भी तरह से क्लीन नहीं किया जाता था, डिटॉक्स नहीं किया जा सकता है। जब ये होता है तो जो हमारी आंतें होती हैं वो हमारे बॉडी में काम करना शुरू करती हैं। जैसे ये मानकर चलिएगा कि ये आंतों का एक शेप ले लेते हैं कि ये इस तरह से आपकी जो आंतें हैं, आपने जैसे खाना खाया सुबह, मॉर्निंग में आपने खाना खाया, आप देख रहे हैं आंतों ने अब्सॉर्ब किया, आंतों का ही तो काम है ना अवशोषित करना पदार्थों को, जो पोषक तत्वों को अवशोषित करना। आपने सुबह खाना खाया, आपने फिर दोपहर को खाना खाया, आप देख रहे हैं, फिर आपने रात को खाना खाया, तो ये जैसे जैसे आप खाना खाते चले जाते हैं, कुछ लोग इसमें भी एक एक्स्ट्रा टॉपअप कर लेते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे आंतों में इस तरह से चिपकने चले जाती हैं। तो टॉक्सिन जो है इतने ज़्यादा हाईली हो जाते हैं कि रिसर्च बताती है कि सर्जिकल ब्लेड से भी इन्हें नहीं काटा जा सकता, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी जैसे ही बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं ना कि मैं तो सुबह पानी बहुत पीता हूँ, मेरी आंतें तो ऐसे ही साफ हो जाएंगी, चलिए इन आंतों को पानी पिला कर देखते हैं। देखिए, आपने एक गिलास पानी पिलाया, आंतों को साफ हो गई क्या? दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, आप जितना मर्जी आंतों को पानी पिलाएंगे, आंतों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टॉक्सिन्स लगातार यूं करती हुई है, जैसे का वैसा ही है। लेकिन जैसे ही आप एलोवेरा जेल, आप देख रहे हैं ये फॉरएवर का एलोवेरा जूस है, जो 99.7% इसके अंदर एलोवेरा, इस पर लिखा है स्टेबलाइज एलोवेरा जेल। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे सस्ते और महंगे एलोवेरा जूस हैं और लोगों के घर में लगा प्लांट, आप उस प्लांट को लेकर के उसका जूस निकाल करके ये काम नहीं कर सकते जो फॉरएवर का एलोवेरा जूस करेगा। आप दुनिया के किसी भी एलोवेरा को ले लेना, वो एलोवेरा जूस बिल्कुल भी इस काम को नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा एलोवेरा जूस लेते हैं और जैसे ही आप इसको पीते हैं, जैसा बताया जाता है कि एलोवेरा जूस को पीना है और उसको पीने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है, तो जैसे ही आप इसको पीते हैं आपके शरीर में ये काम करना शुरू कर देता है, और इसको पीने के आधे घंटे बाद आपको गर्म पानी पीना होता है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो जूस है उसने आपकी आंतों को पूर्णतः क्लीन करना शुरू कर दिया है, जितना सारा भी कचरा है जिसकी वजह से हम तेज गति से बीमारियों की तरफ बढ़ रहे थे उससे बिल्कुल बाहर लेकर आता है। और ये इतना ही नहीं करेगा, आपके बॉडी के अंदर भी जितना सारा टॉक्सिन्स था उस सबको भी धोने का काम ये करता है। जैसा आपने देखा है ये पूरी तरह क्लीन हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप दोबारा आपने फिर से खाना खाया, आप देख रहे हैं फिर कुछ खाया आपने, तो ये ऐसा नहीं उस टॉक्सिन्स को भी आपकी बॉडी में बिल्कुल भी रहने नहीं देगा, उसको भी क्लीन करने का काम करेगा। यानी कि जितना सारा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में होता है या नया आता है या पुराना होता है उसको बाहर करता है, यानी जिसके कारण हम बीमार हो गए थे वो बीमारी से हमें बाहर लाने में करता है। और अगर इसकी और विस्तृत जानकारी डिटेल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में कि किस तरह से मैं अपने जीवन शैली को और हेल्थ को बेहतर कर सकता हूँ। थैंक यू।